फैब्रिक पेंटिंग फॉर बिगनर्स क्लास 6, ये है ब्रश, क्रिम्सन कलर, वाइट कलर, ये रोज़ के लिए और लीव के लिए, सैप ग्रीन जो कि सारी क्लासेस में मैंने यूज़ की है। रोज़ ड्रॉ करना मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास 5 में बताया था और फैब्रिक पेंटिंग के सारे बेसिक्स मैं क्लास 1, 2, 3 में बता चुकी हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेंटिंग सीखना है तो क्लास 1 से देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि कपड़े को कैसे धुलना है, प्रेस करना है, सारे स्टेप्स मैंने धुल के और प्रेस करके दिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप एक अब इस सीरीज़ में नेक्स्ट है। मैंने सारे सिंपल फ्लावर दिखाए थे, अब हम ये सीखेंगे कि हम रोज़ को कैसे पेंट कर सकते हैं। पेटल को हम लाइट एंड डार्क वाली थ्योरी से बनाएंगे। जो मैंने क्लास 1 में ब्लू कलर का फ्लावर बनाया था उसकी पेटल्स हमने जैसे की थी, एक तरफ डार्क किया था और फिर शेड को ब्लेंड करते हुए दूसरी साइड वाइट लगाया था और ब्लेंड किया था, उसी तरीके से इसको मैंने बनाया है। अगर आप रोज़ की तरह नहीं, एक सिंपल लीफ की तरह देखेंगे, पेटल की तरह देखेंगे फ्लावर की, तो देखिए पहले ऊपर डार्क है और दूसरी तरफ लाइट है, बिल्कुल उसी तरह जैसे क्लास 1 में था। तो अगर आपने क्लास 1 देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पेटल को भी हम वैसे ही लाइट एंड डार्क के ही शेड में बनाएंगे, लेकिन क्योंकि ये मुड़ी हुई लीफ है और आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि आप एक मुड़ी हुई पेटल्स कैसे बना सकते हैं। तो इसमें भी लाइट लगाएंगे लेकिन थोड़ा डार्क के टोन पर ही लाइट लगाएंगे, मतलब वाइट ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें मुड़ी हुई पत्ती दिखानी है और मुड़ी हुई पत्ती थोड़ी डार्क रहती है तो कंट्रास्ट अच्छा आता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि कितने लोग को वीडियो अच्छी लगी, तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। अच्छा, और हम नेक्स्ट अब लीव है, सारे को आप देख रहे हैं ना, कुछ भी आपको ये नहीं देखना, सारा रोज़ नहीं देखना, एक एक पेटल देखना है, वन बाई वन एक तरफ से शुरू करेंगे और बनाते चले जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अब मैंने लाइट, ये था थोड़ा कम लाइट था लेकिन लाइट था, उसके बाद मैंने डार्क लगाया, डार्क के बाद लाइट लगा रही हूँ और मुड़ी हुई है लीव्स तो इसलिए मैं थोड़ा वाइट कम लगा रही हूँ, मतलब लाइट शेड को थोड़ा डार्कर टोन पर रखा है। जैसे कि पहली वाली जो लीव थी वो मुड़ी हुई नहीं थी इसलिए उसमें वाइट ज़्यादा लगाए थे, जैसे कि ये वाली लीव है ये मुड़ी नहीं है तो इसमें हम वाइट ज़्यादा लगाएंगे। और वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो, तब आपको पता चलेगा कि आप मुड़ी हुई लीव भी कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे डार्क था उसके नीचे वाली जो पेटल थी तो इसलिए हमने यहाँ पे वाइट लगाया, और उस साइड भी डार्क था इसलिए उधर भी वाइट लगाया, और जो बीच का पोर्शन बचा उसमें हमने लगा दिया डार्क कलर। इस तरीके से आपकी जो लीफ का कलर है मिक्स एंड मैच नहीं होगा कि एकदम मिक्स हो गया और कुछ पता ही नहीं चल रहा, धीरे धीरे उसको ब्लेंड करेंगे, धीरे धीरे आराम से। और देखिए लग रहा है ना कि वो उसके नीचे है पेटल और ये उसके ऊपर है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट लीफ का पेटल करेंगे। अब इस पे मैंने इसलिए ऊपर वाइट क्यों लगाया, इसका रीज़न आपको पता है? नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है साइड की है पेटल और जो है रोज़ से जॉइंट है, अब जो जॉइंट है अंदर की तरफ का है वो नेचुरल सी बात है कि वो डार्क होगा, तो आप लोग ये सारी बात ध्यान में भी रखा करिए कि रियल में वो कैसा दिखता है। ठीक है, आपको ये सारी बात भी ध्यान में रखनी है। आराम से ऊपर तक ले जाएंगे, उसको ब्लेंड करेंगे, क्योंकि ये भी मुड़ी हुई है तो ज़्यादा वाइट नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से हम सब कर लेंगे और अंदर वाली लेयर करेंगे, अंदर वाली लेयर भी हम आराम आराम से करेंगे, वन बाय वन बनाएंगे, ये नहीं कि वो छोटी है तो उसको कैसे भी बना दिए, नहीं, उस पर भी अच्छे से शेड करना है, तभी आपका ओवरऑल लुक जो है वो अच्छा दिखेगा। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और मेरे बताने का तरीका, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी अच्छी डिज़ाइन देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है ये क्लासेस और आप नेक्स्ट क्लास में क्या देखना चाहते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्लास उसी टॉपिक पे बनाऊंगी जो आप लोग बताएंगे, और वो कुछ टाइम पे भी बना सकती हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने सब कुछ जो आपने क्वेश्चन पूछे मैं बता चुकी हूँ, और मैं सोच रही हूँ कुछ बंश या सूट पेंटिंग
या बेडशीट वगैरह दिखा सकती हूँ, लेकिन अब कमेंट के बेसिस पे ही मैं डिसाइड करूँगी क्योंकि मुझे क्या बनाना है। तो आपको जिस टॉपिक पे वीडियो देखनी है कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने बिगनर सीरीज़ नहीं देखी, आपको पेंटिंग बिल्कुल नहीं आती और आप सीखना चाहते हैं, तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं लिली आर्टिस्ट फैब्रिक पेंटिंग क्लास 1 या लिली आर्टिस्ट बिगनर क्लास 1, तो आपको मिल जाएगा। और आपको थोड़ी बहुत आती है और आपको डिफरेंट डिज़ाइंस देखनी हो तो आप चैनल विज़िट करिए, आपको बहुत सारी डिज़ाइन, सूट पेंटिंग, मेज पोश, पर्स पेंटिंग, बेडशीट पेंटिंग, पिलो कवर पेंटिंग, आपको बहुत सारी डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट और बिल्कुल न्यू मिल जाएंगी, क्योंकि सारी डिज़ाइन मेरी है, मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। तो ये नहीं है कि आपको कहीं से सिमिलर लुक आएगा, अगर आप यूनिक वर्क बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो थम्स अप दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे भी आप और अच्छी अच्छी डिज़ाइन सीख सकें। अब ये रोज़ जो है मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया था, तो ज़्यादा लेयर्स तो नहीं डाली हैं, लेकिन जो भी 2-3 लेयर है वो सारी जो लेयर्स हैं वो एक ही प्रोसेस से होंगी। एक एक पेटल को करना है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, एक पेटल को देखिए, कीजिए पेंट कीजिए उसको, आगे बढ़िए दूसरी पेटल को करिए, सारा रोज़ नहीं देखना। आप देख रहे हैं अब ये थर्ड लेयर चल रही है और वही डार्क एंड लाइट। अब ये दोनों जो है वो लाइट है, तो यहाँ हम लगाएंगे डार्क। और आप जो भी क्लास होमवर्क करते हैं, प्रैक्टिस वर्क करते हैं, वो आप इंस्टाग्राम पे मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उसको स्टोरीज़ पे लगाती हूँ और कम्युनिटी पोस्ट में भी डालती हूँ। तो मेक श्योर करिए कि आप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करिए और फिर मुझे सेंड करिए जो आपका सबसे अच्छा है वर्क। आप देख रहे हैं एक ही लाइट एंड डार्क की थ्योरी से ब्लेंड कर करके मैंने बनाया, लेकिन सारी लेयर्स जो थी, फर्स्ट लेयर वो अलग दिख रही है, सेकंड अलग दिख रही है और थर्ड अलग दिख रही है। आपको भी यही कोशिश करना है कि आपकी लेयर्स जो है पिटल्स हैं अलग अलग दिखें। और आगे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और आखिर तक वीडियो देखिएगा, लास्ट टिल एंड, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और उसी क्वेश्चन को जो मैं बता चुकी हूँ उसको कॉमेंट में ना लिखें और आपको मुड़ी हुई पत्तियाँ भी बनाना आ जाए। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते और फिर वही सेम क्वेश्चन करते हैं, इसमें मुझे दिख जाता है कि कितना आपने कितना टाइम तक वॉच किया है। तो मेक श्योर करिए कि आप वीडियो को पूरा वॉच किया करिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आपको भी कंफ्यूजन हो जाती होगी आधी आधी बात देखने की वजह से। कंप्लीट वीडियो देखिए, फिर भी ना समझ आए तो फिर यू आर मोस्ट वेलकम, आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।
हमारा रोज़ बन गया है, अब हम बनाएंगे लीव्स। ये जो ग्रीन पार्ट है कली का वो बाद में बनाएंगे। 8 नंबर का जो ब्रश है फैबर कैस्टल का वो यूज़ करूँगी मैं। कली का पार्ट बाद में बनाएंगे, पहले हम बना लेते हैं पत्तियाँ। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लीफ को पेंट करने के लिए मैंने सैप ग्रीन और वाइट कलर का यूज़ किया, जो मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था आपको, तो वही कलर लेंगे। सबसे पहले सैप ग्रीन, और डार्क एंड लाइट की थ्योरी पे ही कर रहे हैं, लेकिन देखिए दोनों साइड से हम डार्क लगाएंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग में रखते हुए कि ये बाहर ना जाए, जो हमारी बाउंड्रीज है लीफ की उस पर हम डार्क शेड लगाएंगे और ऊपर से वाइट। हाफ हाफ शेड लगा रहे हैं डार्क ग्रीन और वाइट का, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ब्रश का मूवमेंट है, थोड़ा सा कर्व, स्ट्रेट लाइन से शेड नहीं करेंगे और उसको आगे तक मिलाएंगे। एक क्या है कि नीचे की जो है हमारी दोनों साइड की नीचे की डार्क कलर लगाया और ऊपर दोनों साइड वाइट, लेकिन उसके जो डायरेक्शन है वो आधा जो शेप नीचे की तरफ का है उसी तरफ से मैंने लाए हैं ब्रश, एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ, और जो नेक्स्ट साइड थी वो उधर से ही ब्लेंड करेंगे। जो ब्रश का मूवमेंट है वो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ब्रश को स्ट्रेट नहीं चलाना है। और फिर नेक्स्ट लीव वही, दोनों साइड पहले हम लगाएंगे डार्क और ऊपर वाइट लगाऊंगी, हाफ लगाएंगे। ये लाइट एंड डार्क की ये थ्योरी है, लेकिन थोड़ा सा अलग, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये रोज़ की पिटल्स की तरह ही पेंट हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। और अगर आप डिफरेंट तरीके से लीव को पेंट करना चाहते हैं तो और वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट और इजी मेथड्स भी बताए हैं, आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। आगे की वीडियो ध्यान से देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। कोई वीडियो पूरी देखने के बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो कॉमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपके कॉमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं बनाऊँगी। आगे का वीडियो ध्यान से देखिए। सारी लीफ को देखिए मैंने पेंट कर दिया, कितनी प्यारी दिख रही है। अब हम उसकी क्या बनाएंगे,
डंठल बनाएंगे और लीव में नस डालेंगे हल्की हल्की। ये जो है ये ज़ीरो नंबर या वन नंबर के ब्रश से करना है। ये मैंने आपको क्लास वन और टू में ब्रश की सारी डिटेल्स बता दी है, तो अगर आपको ब्रश के बारे में कुछ देखना है तो आप क्लास वन और टू में देखिए। और इसको हल्के हाथों से नस डालेंगे कर्व शेप में। आप देख रहे हैं ना, इसका पूरा लुक चेंज हो गया और ये कितना रियल लग रहा है। अगर आप इसको अपने सूट पे या ऑर्गेन्जा या किसी भी साड़ी पे, टी शर्ट पे, बेडशीट कहीं पे भी आप खुद से डिज़ाइन करके बना सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता तो ड्रॉ करने के लिए भी मैंने आपको अलग से वीडियो डाली है, उसको देखिए। ये है हमारा कंप्लीट लुक। देख रहे हैं आप कितना ही प्यारा और रियल लुक लग रहा है। बिगनर्स लेवल पे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके कोई भी आपको नहीं बताएगा। मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दिया, पेंट करके भी। आपको और क्या देखना है कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जिसको पेंटिंग पसंद है और सीखना चाहता है तो उसके साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए और कुछ नया और यूनिक सीखते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।